नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड महामारी को लेकर अपने मेगा प्लान की घोषणा कर दी है। केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक अगले 3.5 महीने यानी कि 15 अगस्त तक देश के 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। योजना के मुताबिक पूरे देश भर में 10 लाख से ज्यादा टीकाकरण के केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा लोगों को घर घर तक टीका लगाने की भी योजना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ही दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों में लगाई जाने वाली मानकों के अनुरूप वाली वैक्सीन अपने देश में होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 1 मई से 18 साल के अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाए जाने की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय समेत तमाम अन्य जिम्मेदार महकमे पिछले कुछ महीनों से इस योजना पर लगातार काम कर रहे थे। देश भर में टीकाकरण की योजना को अमलीजामा पहनाए जाने वाली कमेटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उनकी पूरी कोशिश है कि अगले 3.5 महीने यानी कि 15 अगस्त तक पूरे देश की 18 साल से ज्यादा उम्र की आबादी को कोरोना का टीका लगाना है। उक्त अधिकारी के मुताबिक इसके लिए देश के सभी राज्यों से समन्वय किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी हमारे देश में सिर्फ 2 कंपनियों का ही टीका उपलब्ध है। बावजूद इसके अब तक तकरीबन 13 करोड़ 50 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में दुनिया भर के अलग अलग देशों में लगाए जाने वाले कई टीके उपलब्ध हो जाएंगे। इस वजह से वैक्सीनेशन ड्राइव की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली कमेटी के एक वरिष्ठ सदस्य के मुताबिक योजना तो यही है कि सभी प्रांतों में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए जाएं। इसके लिए सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्यों ने अपने स्तर पर योजनाओं को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है और उसकी पूरी डिटेल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दी जा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार लोगों को घर घर यानी कि जो जहां है उसको वहीं पर टीका लगाने की तैयारी में है। इसके लिए राज्यों के स्वास्थ्य विभाग की ग्राउंड लेवल पर काम करने वाली टीम को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो सामाजिक संगठन और कॉरपोरेट ग्रुप इस प्रक्रिया में मदद करना चाहते हैं उन्हें भी केंद्र सरकार ने आगे आने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबको टीकाकरण के फैसले के बाद देश में दुनिया के अलग अलग मुल्कों में लगाई जाने वाली वैक्सीन के आयात की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी तक देश में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड बाजार में है। केंद्र सरकार ने रूसी स्पुतनिक वैक्सीन को भी भारत में लगाने की अनुमति दी है। इसके अलावा अगले कुछ दिनों में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली फाइजर, बायो इंटेक, जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन, मॉडर्ना, साइनोफॉर्म और सिनोवैक जैसी वैक्सीन को भी भारत में अनुमति मिलने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक जब इन सभी वैक्सीन्स को अनुमति मिल जाएगी तो देश में रोजाना होने वाली वैक्सीनेशन की संख्या भी बढ़ जाएगी। इस वक्त देश में महज 2 कंपनियों की वैक्सीन से तकरीबन 30 लाख से ज्यादा लोगों को रोजाना वैक्सीनेट किया जा रहा है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा फेज 1 मई से शुरू हो रहा है। इसमें 18 से ज्यादा उम्र वाले यानी 1 जनवरी 2004 से पहले जन्मे सभी लोगों को वैक्सीनेट करने की तैयारी है। देश में 18 प्लस की कुल आबादी 58.9% यानी कि 59 करोड़ से ज्यादा है। 19 अप्रैल की सुबह 8 बजे तक 12 करोड़ 38 लाख डोज दिए जा चुके हैं। इनमें 10 करोड़ 73 लाख पहले डोज है जबकि 1 करोड़ 64 लाख दूसरे डोज। अब देश की सबसे बड़ी युवा आबादी वैक्सीन लगने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि बिना रजिस्ट्रेशन वैक्सीन नहीं लगेगी। आप पहले से रजिस्ट्रेशन करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके लिए कोरोना वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी कि कोविन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर वैक्सीनेशन से जुड़ा हर डेटा मौजूद होगा। कुछ सेंटर्स पर वॉक इन सुविधा भी होगी। अब आपको बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन और कोविन की वेबसाइट kovin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर को OTP से वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी अन्य फोटो पहचान पत्र के आधार पर अपनी जानकारी सबमिट करनी होगी। पिन कोड आदि डालकर वैक्सीनेशन साइट, तारीख और समय चुनना होगा।
एक मोबाइल नंबर से अधिकतम 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन फ्री में लगेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन लगवाने पर 250 रुपये देने होंगे। अब जान लीजिए कि वॉक इन की सुविधा कहाँ मिलेगी। सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वॉक इन की सुविधा भी है। कोई भी व्यक्ति अपना फोटो पहचान पत्र देकर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन का डोज ले सकता है। इसके लिए पहले पता कर लें कि जिस सेंटर पर आप जाना चाहते हैं वहां पर स्थिति किस तरह की है। रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको इन अहम बातों का ध्यान रखना होगा। आप रजिस्ट्रेशन के लिए जो फोटो आईडी सबमिट कर रहे हैं अपनी पूरी डिटेल उसी के अनुसार भरें, जैसे कि नाम की स्पेलिंग, जन्म का साल, आईडी नंबर, जेंडर आदि। अब जान लीजिए कि वैक्सीनेशन सेंटर पर क्या कुछ होगा। एंट्री पर एक अधिकारी पुलिस, होमगार्ड या फिर एनसीसी से होगा। वो रजिस्ट्रेशन चेक करेगा और फोटो आईडी की पुष्टि करेगा। वेटिंग एरिया में पुलिस, होमगार्ड या एनसीसी से एक ही अधिकारी होगा जो फोटो आईडी लेकर कोविन पर उसकी पुष्टि करेगा। वैक्सीनेशन एरिया में नर्स या हेल्थ केयर वर्कर के तौर पर तीसरा अधिकारी होगा, वो वैक्सीन लगाएगा। वैक्सीनेशन रूम में एक समय में एक ही व्यक्ति होगा। इसके बाद ऑब्जर्वेशन एरिया में वैक्सीन लगाने के बाद व्यक्ति को 30 मिनट तक यानी कि आधे घंटे तक रहना होगा। वहां पर 2 अधिकारी होंगे जो साइड इफेक्ट्स पर नज़र रखेंगे। इस जगह पर बैठने की पर्याप्त जगह, पीने का पानी और वॉशरूम की सुविधा होगी। इस समय भारत में जितने भी डोज दिए गए उनमें 91% हिस्सेदारी कोविशील्ड की रही। इसे दुनिया का सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने बनाया था। अब कच्चे माल की कमी की वजह से वो भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहा है। वहीं भारत बायोटेक को भी प्रोडक्शन तेज करने में दिक्कत हो रही है। सरकार ने बायोमेडिकल रिसर्च बॉडी हॉफकिन इंस्टीट्यूट से कोवैक्सीन बनाने को कहा है ताकि इस कमी को दूर किया जा सके। वैक्सीन के डोज की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 12 अप्रैल को रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी दी। साथ ही विदेशों में स्वीकृत वैक्सीन कंपनियों को भी भारत में डोज उपलब्ध कराने की अपील की। इस समय वैक्सीन डोज कम है, पर स्पुतनिक वी के साथ ही फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन मार्केट में आते ही ये कमी भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा 6 वैक्सीन के भारत में ट्रायल्स चल रहे हैं, उनके क्लिनिकल ट्रायल्स का फैसला भी कुछ ही महीनों में आ जाएगा, तब निश्चित तौर पर वैक्सीन डोज की कमी नहीं रहेगी। तो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमारा देश अब पहले से ज्यादा तैयार है। हमारे पास मामलों की जांच के लिए लैब का बड़ा नेटवर्क तैयार हो गया है। लगातार टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई जा रही है। फार्मा सेक्टर लगातार कोरोना से पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए काम कर रहा है। सरकार की कोशिश लोगों का जीवन बचाने की है। लॉकडाउन की आशंका में घरों को लौटने वाले कामगारों को भरोसा दिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि जो जहां है वहीं बने रहें, किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी, किसी की नौकरी नहीं जाने दी जाएगी, कारोबार भी जारी रहेंगे और महामारी से सुरक्षा के उपाय भी किए जाएंगे। बहुत जल्द उन लोगों को भी टीके लगाए जाएंगे। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ देश बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। हमें आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के साथ ही महामारी पर नियंत्रण पाना है। राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकारों से माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ध्यान देने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि अब तक हमने धैर्य और अनुशासन के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हमें अपना धैर्य नहीं खोना है। उन्होंने भरोसा जताया कि हम सभी मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई फिर से जीतेंगे। तो हमने बात की कोरोना पर पीएम मोदी के मेगा प्लान की। हाल ही में भारत ने तमाम देशों को कोरोना वैक्सीन भेजी, जिन्हें दोस्ती की वैक्सीन भी कहा जा रहा था। पीएम मोदी यूं ही हर किसी के दिल में नहीं बसते, उन्होंने देश के साथ साथ विदेशों के दिल में बसने के लिए दिन रात एक किए हैं। आज इसी वजह से पूरी दुनिया पीएम मोदी की मुरीद है। आज भी मोदी जी पूरे देश के साथ खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक हमारा देश इस आपदा से पूरी तरीके से बाहर नहीं आता। हालांकि जैसे जैसे हमारे देश का हर शख्स कोरोना के प्रकोप से बाहर आता जाएगा, विपक्ष की नींद कम होती जाएगी, लेकिन पीएम मोदी किसी की परवाह किए बिना अपने पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे और देश का गौरव यूं ही बढ़ाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।